हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोग की एक नई वीडियो पे। तो गाइस आज का वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने टाइटल और थंबनेल पे दिया है कि दिस स्मार्टफोन विल बी अ बजट किंग स्मार्टफोन। मतलब क्यों एक मैंने ऐसा दिया है, मतलब कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है बजट किंग स्मार्टफोन, कब वो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, कौन सा ब्रांड का है, कैसा स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ मैं बताऊंगा और प्राइस भी कितना होने वाला है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा कि बजट किंग स्मार्टफोन होने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखता है ना, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस बेसिकली मैं जो स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ, तो गाइस बेसिकली वो स्मार्टफोन मैं मतलब आज यूज़ कर रहा था। तो गाइस बेसिकली स्मार्टफोन यूज़ करते 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 मैं ऐसे फ्लिपकार्ट को ओपन किया था। फ्लिपकार्ट को मैंने जब ओपन किया था, मैं कुछ प्रोडक्ट देखने के लिए फ्लिपकार्ट को ओपन किया था। तो गाइस बेसिकली जो फ्लिपकार्ट का ऑफर सेक्शन होता है, जहाँ पर बहुत सारा ऑफर्स अपकमिंग स्मार्टफोन, अपकमिंग लैपटॉप, टैबलेट्स ऐसा आता है, तो वहाँ पर जो स्वाइप होता है, तो वहाँ पर लिखा हुआ था एक स्मार्टफोन ब्रांड आप जानते हो, उसका नाम है जियोनी। तो गाइस जो आप को रिमेंबर होगा, बहुत पहले वो लोग स्मार्टफोन को मतलब तैयार करते थे। स्मार्टफोन मतलब पहले अच्छा खासा फेमस था, मतलब अच्छा खासा लोग जियोनी का स्मार्टफोन यूज़ करते थे। तो गाइस बेसिकली मिडिल में इतना सारा आया कि जियोनी एकदम से मतलब कोई स्मार्टफोन बनाना ही बंद कर दिया और उनका स्मार्टफोन नहीं आ रहा था। तो गाइस बेसिकली ऐसा हुआ पर लिखा हुआ था कि जियोनी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, उसका नाम है जियोनी मैक्स, और वो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है 25 अगस्त को। तो गाइस ऐसा कोई बड़ी बात नहीं था कि जियोनी स्मार्टफोन, क्योंकि बहुत सारा ब्रांड अपने आप को रिस्टार्ट किया है, आ रहा है मार्केट में, नया नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। तो गाइस ऐसा कोई बड़ी बात नहीं था। मैंने ऑफर सेक्शन जो था उसमें क्लिक किया, कितना प्राइस, कैसा स्पेसिफिकेशन जानने के लिए। तो गाइस बेसिकली मैंने जो देखा, ये जो स्मार्टफोन है 6000 के नीचे का स्मार्टफोन होने वाला है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं था। नीचे जो मैंने देखा, जो बहुत सारा सरप्राइज करने वाली बात था कि वो लोग एक 6000 के नीचे स्मार्टफोन में 5000 mAh का बैटरी दे रहा है, जो एक सबसे मतलब यही सब कुछ एकदम क्लियर कर देता है कि कितना मतलब बढ़िया स्मार्टफोन आई थिंक होने वाला है। अब मुझे पता, आप लोगों को पता नहीं, मुझे पता नहीं कैसा होगा, मतलब लॉन्च होने के बाद एकदम क्लियरली पता चलेगा। तो 5000 का mAh का बैटरी वो लोग देने वाला है। और भी मैंने जो बहुत सारा मैंने रिसर्च किया कि मतलब गूगल पे, तो मुझे जितना दूर पता चला है कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें 6.1 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले होने वाला है। मतलब एक 6000 के जो स्मार्टफोन, गेस करता हूँ कि 5500 से 6000 के अंदर इसका प्राइस रहेगा, उसमें 6.1 इंच का एक फुल एचडी डिस्प्ले, उसके साथ जो 5000 mAh का बैटरी। और गाइस इतना पता चला है कि इसका जो इंटरनल स्टोरेज होगा 60GB का इंटरनल स्टोरेज। आप पता नहीं वो लोग दो वेरिएंट लाएंगे कि या एक वेरिएंट लाएंगे, आई थिंक 2 60GB 32GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट भी आ सकता है, दो वेरिएंट। एंड जितना दूर पता चला कि 2 से 3GB का रैम होने का चांस है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक 6000 के नीचे स्मार्टफोन है तो 2 से 3GB का रैम होगा। एंड गाइस जो प्रोसेसर, अब होते हैं प्रोसेसर की, बहुत लोग गेमिंग कर मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि ये 6000 के नीचे स्मार्टफोन हम क्या गेमिंग कर सकते हैं। जितना दूर मुझे पता चला है कि इसमें हेलियो मीडियाटेक की हेलियो P35 या P60 प्रोसेसर आ सकता है, या फिर दूसरा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। स्नैपड्रैगन का ना आने का चांस है, क्योंकि इतना कम प्राइस में स्मार्ट स्नैपड्रैगन का उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं होता। हेलियो P35 P60 जो डिसेंट प्रोसेसर है, जिसमें आप डिसेंट गेमिंग कर सकते हो, एकदम लो लेवल में, जैसे पबजी जैसे गेम्स का लो सेटिंग्स पे खेल सकते हो। तो गाइस ये आप बहुत लोग बोलेंगे कि जियोनी इतना कम प्राइस में क्यों स्मार्टफोन ला रहा है। तो गाइस बेसिकली मुझे पता नहीं कि हो सकते वो लोग रिस्टार्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो थोड़ा कम प्राइस का स्मार्टफोन से ला रहे हैं, जैसे शाओमी ने किया था। जब नया नया शाओमी लॉन्च हुआ था तो बहुत ज़्यादा कम प्राइस का स्मार्टफोन आया था, और अभी भी है बहुत अच्छा अच्छा स्मार्टफोन। तो गाइस बेसिकली जियो ने हो सकते इस एम को लेकर अपने आपको मतलब मार्केट पर आया है, जो भी हो। और गाइस मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन अगर 6000 के नीचे होगा, इतना अच्छा 2GB रैम भी हो, 16GB स्टोरेज भी हो, उसके साथ 5000 mAh का बैटरी हो, कैमरा का तो पता नहीं, अच्छा खासा 2-3 कैमरा हो सकता है, क्योंकि अभी तो सब स्मार्टफोन ब्रांड ही 2-3 कैमरा दे देते हैं, 2 कैमरा तो मिनिमम हो सकता है। एंड गाइस मुझे लगता है कि अगर सबका लेवल तो एक नहीं होता, मतलब सब मिडिल क्लास बहुत सारा फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन जो 10000 15000 का स्मार्टफोन नहीं ला सकते, उनके लिए मुझे मतलब मैं से भी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो लोग ये स्मार्टफोन को चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है 6000 के नीचे सबका, क्योंकि सबका बजट 10 15 20000 नहीं होता उसमें, तो बहुत लोगों का बजट 10000 के नीचे होता है, बहुत लोगों का 5000 6000 में स्मार्टफोन मिल जाए तो अच्छा है। तो ये मुझे लगता है एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, अभी तो क्लियरली पता नहीं, 25 अगस्त को जब लॉन्च होगा हमें क्लियरली पता चल जाएगा। अब गेमिंग एक्सपीरियंस एज मतलब 5000 mAh बैटरी एक्सपीरियंस तो आई थिंक अच्छा होगा। अब गेमिंग हेलियो P35 में डिसेंट गेमिंग कर सकते हो, और बहुत अभी जो आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, तो बेसिकली आप एक
ले सकते हो कम प्राइस में, क्योंकि लॉकडाउन चले तो सबके पास पैसा तो बहुत सारा नहीं है। तो लॉकडाउन है इसमें, मुझे लगता है कि एक बजट स्मार्टफोन है 6,000 के नीचे, तो मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है 6,000 के नीचे। तो इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ कि इतना अच्छा स्मार्टफोन 6,000 के नीचे जियो ने ला रहा है। पता नहीं क्लियरली कुछ 25 अगस्त को सब कुछ पता चल जाएगा कि ओनली जियो ने मैक्स। तो गाइस जो भी हो आप देख लेना 25 अगस्त को जब आएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना मेरे दोस्तों के साथ, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना। तो गाइस मिलता है आप लोग से निकली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।